नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसबी आनंद। भास्कर किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक आज पौधा लेकर आया हूं, औषधीय पौधा। बहुत ही गुणकारी और धार्मिक रूप में अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, तुलसी आयुर्वेदिक में बहुत ही अपने आप में एक चमत्कारी गुण लिए हुए पौधे का कई नाम है, जिसमें 5 तुलसी का महत्व अपने आप में बहुत ही गुणकारी है। जैसे कि श्याम तुलसी, राम तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी और श्वेत तुलसी। और मैं इसमें से 3 तुलसी अपने गार्डन में लगाया हूँ, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और वन तुलसी। जैसे कि रामा तुलसी आप आसानी तरीके से पहचान सकते हैं। रामा तुलसी की जो पत्तियाँ जो होती हैं उस तरह से हरी होती हैं, और इसके जो थोड़ा पत्ती होती हैं बड़ी होती हैं, और इसके फूल भी इस तरह के होते हैं। आप देख रहे हैं, ये हैं रामा तुलसी। और मैं श्यामा तुलसी आपको दिखा दूं, जो रंग भेद में थोड़ा अलग होते हैं रामा तुलसी से, और इसके जो लिप्स जो होती हैं ये ब्लैक कलर की होती हैं इस तरह से। और ये आप देख रहे हैं, ये श्यामा तुलसी हैं, और इसके जो फूल होते हैं इस तरह से आप देख रहे हैं, इसके फूल थोड़ा से अलग हैं। और मैं वन तुलसी भी आपको दिखा दूँ, तो वन तुलसी पहचान इस तरह से आप कर सकते हैं। ये है वन तुलसी, इसकी जो लीव्स जो होती हैं ये छोटी छोटी होती हैं, और इसके जो फूल जो होते हैं इस तरह से होते हैं, सुनहरे फूल होते हैं। तो ये है वन तुलसी। तो अब आइए हम तुलसी लगाएं कैसे, तो वो जानते हैं तुलसी लगाने का तरीका। तो आइए आज हम तुलसी के पौधे लगाते हैं और किस तरह से तुलसी का प्लांट जो है हम गमले में लगाएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं एक ये तुलसी के नीचे ही एक छोटी सी तुलसी निकालने के पहले हम ये देखें इसके रूट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से निकले और टूटे ना, ताकि लगाने में आसानी हो। इस तरह से एक जो आपके पास जो भी औजार हो, खुरपी, इस तरह से हम लोग इसे निकाल लेंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं इस तरह से ये जो रूट हैं, और इस तरह से रूट बाहर आना चाहिए और ये रूट टूटना नहीं चाहिए, ताकि आसानी तरीके से ये जब हम लगाएं तो ग्रोथ कर सके। तो सबसे पहले एक जो आपको एक गमला लेंगे, कम से कम ये 9 इंच का है, और इसमें मैं पूर्ण रूप से ये जो मिट्टी है आप जो मैं बनाया हूँ, और इसमें गोबर है और मिट्टी है बस, और इसमें मैं कुछ नहीं डाला हूँ। और इस तरह से हम इसके बीच में होल कर देंगे इस तरह से। ये बहुत ही आसानी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये मैं लगा दिया हूँ, और ये भी आपको देखना होगा कि मिट्टी में गोबर वगैरह हल्की फुल्की आप महीने दिन में एक बार आप इसमें डाल सकते हैं। पानी सबसे बड़ा चीज़ है कि तुलसी के पौधे में ज़्यादा पानी है नहीं डालना चाहिए, ताकि इसके जड़ सड़ ना जाए। बहुत ही कम पानी लगता है दोस्तों तुलसी के पौधे में, लगभग 25 से 30 दिन में ये लग जाएगा। 25 दिन हो चुके हैं, और जो मैं ये पौधा लगाया था तुलसी का, और ये बड़ा हो चुका है। देख रहे हैं किस तरह से ग्रीन रूप है लिए हुए अपने आप में, और बहुत ही सुंदर पौधा ये तैयार हुआ है। हाँ, इसके बहुत ही आयुर्वेदिक गुण तो हैं ही। जहाँ पे आप तुलसी लगा रहे हैं वहाँ पे मच्छर और मक्खी तो बिल्कुल नहीं आएंगे, और घर का वातावरण भी स्वस्थ रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तुलसी के पौधे जब आपके घर में हैं तो आप कभी भी इसे चाय के रूप में, इसकी पत्तियाँ से चाय बना सकते हैं। और इसके जो पत्तियाँ हैं इसको आप काढ़ा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जुकाम में या खांसी सर्दी हो उसमें, या अभी जो COVID-19 चला हुआ है इसमें आप काढ़ा बनाकर पीने में जो रोगियों को बहुत ही लाभ मिलता है। इस तरह से आप तुलसी के पौधे अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।